सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। और आज के इस वर्कशीट में हम समझेंगे अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो देखिए, पिछली बार यानी कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, और इस वर्कशीट में हम समझ रहे हैं अनवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। जैसे नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उनका अति उपयोग कर रहे हैं और वो भी समाप्त हो सकते हैं। हालांकि उनके भंडार बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमारे गलत उपयोग के कारण हम उन्हें खो सकते हैं। इसी तरीके से अनवीकरणीय संसाधन जो कि जिनके भंडार ही सीमित हैं, उनका संरक्षण करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और इसी विषय को समझने की कोशिश करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, और अगर एक बार यह भंडार समाप्त हो जाए तो उसके समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके या फिर पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है, क्योंकि सभी जीव तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हमने अभी ये समझा कि हमें पता है कि इनके भंडार सीमित हैं और ये एक ना एक दिन समाप्त भी हो जाएंगे, और इनको दोबारा बनने में फिर से लाखों करोड़ों साल लगेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम उसको बचाने में हम सभी अपना अपना योगदान दें। तो याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग करना है और उनकी जगह अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिले और आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर पाएँ, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो आप भी तो चाहते हैं ना कि जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, हमारी आगे वाले आने वाली पीढ़ियां हैं, क्या उनको इसका फ़ायदा ना मिले? तो हमें इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, नीचे एक क्रियाकलाप दे रखा है। नीचे दी गई तालिका में अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ अनवीकरणीय संसाधन दिए गए हैं, उनके उपयोग लिखने हैं। जैसे एक आपके लिए किया हुआ है पेट्रोल, उसका उपयोग क्या होता है, वाहनों का ईंधन के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा है लोहा, लोहे को उद्योगों के कच्चे माल के रूप में और मशीनों में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और सारी मशीनें तो लोहे की ही बनती हैं ना। तीसरा है कोयला, कोयला विद्युत बनाने में प्रयोग होता है। फिर इसके बाद नीचे एक और तालिका दी गई है, और इसमें लिखे हुए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के अब उपाय हमें लिखने हैं सोच समझ के। तो एक तो हमारे लिए किया गया है उदाहरण, जैसे संसाधन और संरक्षण का उपाय, यानी पहला दे रखा है पेट्रोल। अगर पेट्रोल को बचाना है तो हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब लाल बत्ती हो रही हो तो उस पर गाड़ी का इंजन ज़रूर बंद कर दें। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो पेट्रोल बचेगा और दूसरा पॉल्यूशन में, प्रदूषण में कमी आएगी। फिर है एलपीजी गैस। देखिए, एलपीजी गैस को हम कैसे बचा सकते हैं कि जब भोजन उबल जाए तो गैस को कम कर दें। कई लोग उसको वैसे ही चलने देते हैं कि उबल तो रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम इसको गैस को कम कर सकते हैं, या जब ज़रूरत ना हो तो हम उसकी नॉब को बंद कर दें, ताकि अगर कुछ गैस रिस भी रही है तो हम उसको वो ना रिसे और हम उसको बचा पाएँ। तो इससे हमें खतरा भी नहीं होगा और हमारी गैस, एलपीजी गैस भी बच जाएगी। फिर है तीसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को अगर हम, एल्यूमिनियम का जो स्क्रैप होता है यानी जो उसका कबाड़ होता है, उसको पुनर्चक्रण के द्वारा इस्तेमाल करें तो हम इसको बचा सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, आगे हमारा टॉपिक भी यही है कि हमें संसाधनों के संरक्षण का 4R उपाय, 4R का फार्मूला भी हम अपना सकते हैं। ये 4R क्या चीज़ है?
इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके यानी कि रिड्यूस करके, जैसे जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम भी किया जा सकता है। वस्तुओं का पुनः चक्रण करके यानी गलाकर उसको दोबारा से प्रयोग में लाना यानी कि रिसाइकिल, और फिर वस्तुओं के विकल्प का इस्तेमाल करना यानी रिप्लेस, और चौथा है वस्तुओं के पुनः उपयोग या रीयूज़ के द्वारा भी संसाधनों को हम बचा सकते हैं। तो हो गए ना 4 R, कौन कौन से? रिड्यूस, रिसाइकिल, रिप्लेस और रीयूज। तो आगे फिर से एक तालिका दे रखी है जिसमें आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। यहाँ पर संरक्षण का तरीका और उसमें तरीके का नाम लिखना है हमें कि वो पुनः चक्रण के द्वारा है, पुनः उपयोग के द्वारा, या विकल्प का इस्तेमाल करके, या उपयोग कम करने का है। तो देखिए, जैसे इसमें पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल। तो हम इसको ये भी कर सकते हैं कि प्लास्टिक की थैली के इस्तेमाल को हम उपयोग कम करना भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अगर हम इसकी जगह कपड़े के थैले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हो गया विकल्प का इस्तेमाल, जो हमें करना भी चाहिए। फिर है पुराने लोहे को पिघलाकर नया कुछ बनाना, तो ये क्या है? पुनः चक्रण। और बर्तन के स्थान पर सूखे पत्ते के दोनों का उपयोग, सूखे पत्ते के जो दोने आते हैं उनका उपयोग, तो ये भी विकल्प का इस्तेमाल हो सकता है। और हम बर्तनों के स्थान पर जैसे लिख रहे हैं तो बर्तनों का हम कम उपयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम चलेंगे अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं और सारे के सारे हमारी कल्पना पर आधारित हैं, तो वो तो हम करेंगे ही, और साथ में फिर आखिरी में कोविड से बचने का क्या व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। उत्तर है कि सबसे पहले अगर हमें यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोल समाप्त होने वाला है तो एक बार तो बेचैनी होगी, घबराहट भी होगी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम कितना पेट्रोल इकट्ठा कर सकते हैं या कितना पेट्रोल का भंडार कर सकते हैं, अपना स्टॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक साइकिल ले लेंगे और एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी ले सकते हैं, और आजकल तो हमारी सरकार भी इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो अगर हम अभी से ही पेट्रोल पर निर्भर ना होकर इन वाहनों को प्रयोग में लाएं तो शायद अगर पेट्रोल ख़त्म भी हो जाए तब भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपके घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है कि हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो कि धातु से बनी हैं, जैसे बर्तन, आभूषण, प्रेस, फ्रिज, कार, खिड़की, दरवाजे आदि। यदि पृथ्वी से सारी धातु समाप्त हो जाएं तो मनुष्य को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर तो हर वस्तु के लिए धातु की ही ज़रूरत होती है। और अगर ये धातु समाप्त हो जाती है तो क्या आपको पता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह भी कम हो जाएगा, फिर हर जगह भूकंप, बड़े बड़े गड्ढे और ज्वालामुखी ही होंगे। और प्रश्न नंबर 3 बहुत ही मज़ेदार है और आपके लिए दिमाग को सोचने वाला क्वेश्चन है। यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों की आवश्यकता क्यों है? अब ये तो आपको सोच के ही लिखना पड़ेगा, बताइए। यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तब भी हमें अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि अनवीकरणीय संसाधनों के भंडार तो सीमित हैं और उन्हें एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें पुनः बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, और फिर कुछ नवीकरणीय संसाधन भी तो इस प्रकार के हैं जो अति उपयोग करने पर समाप्त भी हो सकते हैं। तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण का सबसे बढ़िया तरीका है कि उन्हें पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा इस्तेमाल करना चाहिए, या उनके स्थान पर किसी विकल्प का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उन्हें बचाया जा सकता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।